हेलो गार्डनिंग लवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपने प्यारे प्यारे पौधों को उगाने में और उनकी केयर करने में खूब अच्छे से बिजी होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिंग लवर्स में। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये सिंगोनियम का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत सा, जिसे एरो हेड प्लांट भी बोलते हैं। इसकी दो वेराइटीज़ होती हैं, एक इसकी पिंक वाली वेराइटी भी बाज़ार में मिलती है। मेरे पास ये नहीं था, मैं इसकी हाल फिलहाल में एक कटिंग लेकर आई हूँ। आप देख रहे हैं, ये कटिंग है जिसमें एरियल रूट्स निकल रही हैं। ये एक मेरे फ्रेंड के घर लगा हुआ था तो उन्होंने मुझे इसकी कटिंग दे दी। मैंने सोचा क्यों ना इसे पॉट में लगाया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। तो आज हम इसका पॉटिंग मिक्स तैयार करेंगे और इसे खूबसूरत से पॉट में प्लांट करेंगे। ये इंडोर और आउटडोर कहीं भी चल जाता है, तो आप इसे चाहे इंडोर रख सकते हैं चाहे आउटडोर रख सकते हैं। अब ये छोटी कटिंग है तो इसका पॉट मिक्स बहुत ही सिंपल सा तैयार करना होगा हमें। ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलानी हैं, सिर्फ दो चीज़ें मिक्स करेंगे हम इसमें। हम एक बर्तन में 50% सैंड मिक्स करते हैं। ये नॉर्मल सैंड है जो नदी में आराम से मिलती है या फिर आप कंस्ट्रक्शन साइट से ले सकते हैं, रिवर सैंड बोलते हैं इसे। और इसके अंदर हम मिक्स करेंगे गार्डन सॉइल। 50% सैंड मिक्स करते हैं और 50% गार्डन सॉइल, क्योंकि हमारी अभी कटिंग बहुत छोटी है तो इसे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे ये बढ़ेगी हम इसके अंदर कंपोस्ट ऐड करेंगे, वर्मी कंपोस्ट या अब कंपोस्ट अच्छे से डिकम्पोज हुआ हुआ ऐड करेंगे हम इसके अंदर। फ़िलहाल हम इन्हें इन दो चीज़ों से अच्छे से मिक्स करते हैं इन दोनों को और अपना पॉट मिक्स तैयार करते हैं। ये देखिए, ये मेरा पॉट है जिसके अंदर मैं इसे लगाने जा रही हूँ। ये पॉट मेरा खाली हुआ था जब मैंने अपनी मनी प्लांट को रिपोर्ट किया था। ये है मेरा मनी प्लांट जिसे मैंने रिपोर्ट किया था। देखिए आप इसे, अभी इसकी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है। मैंने इसमें मॉस स्टिक लगा के इसे रिप्लांट किया था, लेकिन मैं इसकी अपडेटेड वीडियो आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। अब हम इस पॉट में देखिए, इसमें नीचे चार सुराख, इसके अंदर हम छोटे छोटे से पत्थर रखते हैं ताकि इसमें से पानी लीक ना हो। सॉइल मॉस्ट रहे लेकिन बिल्कुल सूखी ना हो, क्योंकि इससे सारा पानी निकल सकता है बाहर। देखिए, हमने इसके ऊपर पत्थर रख दिए हैं और हमने जो आपके सामने सॉइल मिक्स तैयार किया था सैंड का और गार्डन सॉइल का, इसे अपने सिंपल से पॉट मिक्स को इसके अंदर भर लेते हैं हम। देखिए, धीरे से डालिए, पत्थर नहीं हिलने चाहिए वरना हमारा सुराख खुल सकते हैं। सिंगोनियम की कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। सिंगोनियम मनी प्लांट की तरह एरियल रूट्स डेवलप करता है, इसलिए इसकी कटिंग आसानी से चल जाती है। इसे रूट्स से ही डेवलप नहीं करना पड़ता, एरियल रूट्स से भी चल जाता है। जैसे मनी प्लांट की कटिंग लगाते हैं लोग, इसी तरह सिंगोनियम की भी कटिंग्स लग जाती हैं। और जैसे जैसे ये बड़ा होता है, इस तरह इसे मनी प्लांट की ही तरह मॉस स्टिक की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसकी भी बेल ही चलती है मनी प्लांट की तरह। सबसे बढ़िया बात यह है कि आप इसे इंडोर या आउटडोर कहीं भी लगा सकते हैं। देखिए, इतनी भर ली है हमने, 70% भर लिया है हमने अपने पॉट को। अब हम इसकी दो एरियल रूट्स दिख रही होंगी आपको, नीचे छोटी छोटी सी एरियल रूट्स हैं, ऊपर थोड़ी बड़ी हैं। इन्हें हम इसके अंदर ऐसे दबा देते हैं दोनों को, दोनों में से निकल जाएगा, यहाँ से भी निकलेगी नोड और यहाँ से भी निकलेगी। और ये तो इसके पत्ते हैं ही सुंदर से, इन्हें ऐसे नीचे दबा दीजिए उंगली से अच्छे से, ऐसे खड़ा हो जाएगा ये इसके अंदर, क्योंकि आपकी मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट है। और बाकी मिट्टी इसके अंदर भर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पॉट पूरा भर के तैयार हो गया है। हमने इसमें पोरस मिक्सचर भरा है रेत का और मिट्टी का, ताकि इसकी सॉफ्ट जड़ें आसानी से इसके अंदर रच बस जाएं
आसानी से इसके अंदर फैल जाए। देखिए इसके अंदर एक छोटी सी लीफ निकल रही है जो कि जल्दी ही ग्रो होनी शुरू हो जाएगी, जैसे इसकी लीफ मिट्टी से अपने न्यूट्रिशंस लेना स्टार्ट करेंगी। अब हम इसे पानी दे देते हैं अच्छे से। पानी दीजिए इसे, इसकी पूरी मिट्टी मॉइस्ट हो जानी चाहिए, जड़ों तक पानी पहुंच जाना चाहिए। इसके पत्तों को भी धो दीजिए। सो फ्रेंड्स, आज मुझे अपने इस सिंगोनियम को प्लांट को लगाए हुए 15 डेज हो गए हैं और ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपने 15 डेज़ के प्लांट की ग्रोथ। देखिए इसमें कितनी प्यारी सी छोटी सी नई न्यू लीव्स निकल कर आई हैं और भी आ रही हैं, इसमें न्यू ग्रोथ भी हो रही है। तो आप देख पा रहे हैं इसकी ग्रोथ कितने अच्छे से चल रही है, 15 दिन में ही ये इतनी अच्छी ग्रोथ की है इसने। और हमने इसके मिक्सचर में आपके सामने ही सिर्फ सैंड और गार्डन सॉइल मिक्स की थी और देखिए इसके अंदर से न्यू रूट्स भी डेवलप हो रही हैं। देखिए ये इसमें से एक न्यू रूट निकली है, एरियल रूट। सो आज हम इसके अंदर इसकी सॉइल में मिक्स करेंगे और फर्टिलाइज़र मिक्स करेंगे ऊपर से, क्योंकि हमने इसको लगाते टाइम इसमें बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया था। तो अब भी इसमें न्यू ग्रोथ हो रही है, इसको नीड है फर्टिलाइज़र की, तो हम इसके अंदर फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। और मैं सोच रही हूँ कि इसकी थोड़ी सी इसमें से जो न्यू रूट्स निकल रही हैं इनको जगह नहीं मिल रही, क्योंकि इसे ना उसके तरह ही मनी प्लांट की तरह ही मॉस स्टिक चाहिए होती है ऊपर चढ़ने के लिए। फ़िलहाल मैं इसे मॉस स्टिक ऐड नहीं करूँगी, लेकिन मैं इसे अपने प्लांट को बुशी बनाने के लिए इसमें इसकी यहाँ से जहाँ से इसकी रूट डेवलप हो रही है, ये तो दूसरी पत्ती है, यहाँ से इसकी कटिंग करके और इसे इसी मिट्टी के अंदर फिर से लगा दूँगी। ये जहाँ से इसके अंदर रूट निकल रही है यहाँ से हम इसकी कटिंग काटेंगे और इसे फिर से इसी सॉइल के अंदर लगा देंगे। देखिए इसकी काफ़ी लंबी हो गई है, तो इतनी लंबी नहीं चाहिए होती इसमें। अगर आप इसके अंदर मॉस स्टिक ऐड कर रहे हैं, आपको इसे लंबाई में बढ़ाना है ऊपर की तरफ, तब आप इसमें ऐसे इसे लंबी चला सकते हैं, वरना आप ऐसा कीजिए कि इसे यहाँ से कट कर दीजिए और इसका ये जो रूट के अलावा नीचे निकला हुआ है स्टेम, इसे भी कट कर दीजिए। हमें सिर्फ रूट की नीड है, रूट हमारी इसे न्यूट्रिशन देगी। अब हम इसके अंदर हल्का सा खोद के और अपनी इसे दो इंच के करीब हमने इसमें गड्ढा कर लिया है। अब इसके अंदर इसे ऐसे रख के रूट सहित और इसे ऐसे हल्के हाथ से दबा देंगे। देखिए मैं न्यू कटिंग्स भी लाई थी, ये देखिए ये न्यू कटिंग है, इसमें दो जगह रूट निकल रही हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हम इनकी भी इसके अंदर कटिंग काट के लगा देते हैं, इससे हमारा जो पॉट है ये बुशी हो जाएगा और देखने में बहुत सुंदर लगेगा। और बाकी आगे जाके जब इसकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगी और इसमें ये लंबाई में बढ़ेगा आगे, तब हम इसको मनी प्लांट की तरह मॉस स्टिक लगा के मॉस स्टिक पर चढ़ाएंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसकी न्यू अपडेट। फ़िलहाल हम इसे बुशी बनाते हैं। बुशी प्लांट जो होते हैं सिंगोनियम के बहुत सुंदर दिखते हैं और गमला बहुत भरा भरा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। देखिए हमने लगा दी है एक कटिंग और ये दूसरी कटिंग है, इसमें देखिए कितनी अच्छी रूट डेवलपमेंट हो रही है। इसे भी हम यहीं पे लगा देते हैं बीच में हल्की सी खुदाई करके। आप चाहें तो इतनी सारी कटिंग्स लगाने के बाद इसमें टूल का यूज़ ना करें, हाथ से ही, मिट्टी मॉइस्ट है ना, तो हाथ से ही हल्का सा खोद के और उसे कटिंग को ऐसे दबा दें ताकि इनको प्लांट्स की जड़ों को नुकसान ना हो। ये देखिए हमने लगा दिया है और देखिए हमारा प्लांट कितना सुंदर, कितना बुशी हो गया है। और अभी तो ये और ज़्यादा होगा, बीच में से जो थोड़े बहुत खाली स्पेस दिख रहा है आपको, ये फुल भर जाएगा बिल्कुल। साइड्स में से तो ये फुल भरा हुआ ही लग रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे करके देखिए आप, ये इसमें न्यू
डेवलपमेंट हो रही है, न्यू ग्रोथ हो रही है प्लांट की। ये हो रही है न्यू ग्रोथ और यहाँ से भी न्यू ग्रोथ हो रही है। इसमें देखिए ये भी नई पत्ती है और इसके नीचे से भी और ग्रोथ हो रही है, तो ये बहुत सुंदर हो जाएगा। अब हम इसके अंदर फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, क्योंकि हमने इसमें पहले इसकी सॉइल में बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया था। तो हम इसमें, ये 8 इंच का गमला है, तो इसके अंदर हम एक मुट्ठी फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। ये देखिए, ये जो है ये मैं रेडीमेड लाई थी, ये वर्मी कंपोस्ट है, अच्छे से डिकम्पोस्ट हुआ हुआ है ये। देखिए हमने इसे इस तरह से एक मुट्ठी ऐड करके इसमें अच्छी तरह से इस तरह से सॉइल के साथ इसे मिक्स कर दिया है हाथ से ही। अब जो हम इसमें पानी देंगे, ये कंपोस्ट इसी के साथ धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगा मिट्टी के अंदर और इसे न्यूट्रिशन देगा प्लांट को। आप इसमें एक मुट्ठी से ज़्यादा 8 इंच के गमले में ऐड ना करें। अगर आपको 12 इंच का गमला है तो आप इसमें 1.5 मुट्ठी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इतना इसके लिए इनफ रहेगा। इससे ज़्यादा होगा तो प्लांट जलनेगा, तो आप कंपोस्ट को जो है बहुत ही सोच समझ के ऐड करें। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा सुंदर सा प्लांट और इसे लगाने की प्रोसेस, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही प्यारा प्लांट होता है और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। आप इसे इंडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं, सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं आप इसे, लेकिन बस इसके ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप इसके ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ेगी तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं चलता है। ये इंडोर प्लांट होता है, इसलिए आप इसे सेमी शेड एरिया में ही रखिए। आप इसे नीचे रख सकते हैं, ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं, या फुल्ली अंदर रख सकते हैं, इंडोर रख सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर लगाइए, बहुत सुंदर प्लांट है और बहुत ही लो केयर के होता है, बहुत ही कम केयर में बहुत अच्छे से बढ़ने लगता है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। आगे अपनी न्यू वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आगे आपको किस प्लांट के बारे में, किस प्लांट की केयर के बारे में, या फिर ग्रोथ के बारे में, या फिर लगाने के बारे में जानकारी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।